Ting, you going crazy. Oh no. Welcome back guys, one second to Mine Anima World. तो भाई अभी थोड़ा सा शाम को थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, तुमको मैं दिखा दो, एकदम बादल वगैरह आए हुए, हो सकता है रात में तो मतलब हवा हवा बहुत ज़्यादा चलेंगे, तो लाइन वगैरह भी अभी जा सकने का डर है। तो मैंने सोचा कि अभी जल्दी जल्दी व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं अभी अपना मेन काम मैं पहले कर लूँ यार, उनको खोलना रहता है मुझे। चलो भाई बाहर आ जाओ, तुम बहुत देर से तुम लोग बंद हो मुझे मालूम है। अरे यार अपना दिलावर उसके माशाल्लाह से रिकवर कर रहे हैं, तुमको मैं पकड़ के दिखाता हूँ। अरे भाई अरे कहाँ भाग रहा है, ये देखो यार माशाल्लाह से ये 3 दिन हो चुके थे ये जख्म लगे हुए, और ये रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे से और चल भी पा रहा है, तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो ये तो भागा, तो थोड़ा वो रिकवर कर रहा है, पर अभी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। ये तो माशाल्लाह तो चल फिर रहा है बहुत अच्छे से वो कर रहा है, पर दूसरी एक प्रॉब्लम आई, मैं तुमको बताता हूँ। हमारी जो दुआ है यार, अपनी जो बिल्ली है उसको जो है बीमार हो चुकी है, वो वॉमिटिंग कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी उसको हम लेके जाने वाले हॉस्पिटल, कैट क्लिनिक के पास हम लेके जाने वाले। तो मैं पहले तुम लोगों की कंडीशन बताता हूँ, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये लोग भाई सुबह से ये लोग ये उल्टी कर रही है बेचारी सुबह से, और ये उठ भी नहीं पा रही है, ना ही ये उठ रही है अभी। तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं, 6:30 बजे इसको लेके जाना है हमें, 6:30 को हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाके पता चलेगा इसको हुआ क्या है। अभी फ़िलहाल हमें ऐसा लग रहा है इसने कुछ खा लिया जिससे ये वॉमिटिंग वगैरह कर रही है। अभी ये फर्दर इंफॉर्मेशन तो हमारे को क्लिनिक जाने के बाद पता चलेगा, तो क्लिनिक जाते हुए भी अपन दिखाएंगे ना। तो मोहसिन भी आया हुआ है, तुम बोलो इंट्रो में नहीं आया, तो बोला अपना मोहसिन भी आ गया। ना दिलावर ना बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह में चल रहा है, माशाल्लाह चल तो रहा है कम से कम। तो अभी इसकी पट्टी वगैरह हमें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो आ जा भाई दिलावर, चलो इसको लेके चलते हैं। मैं और मेरी बहन जो है इसको पट्टी वगैरह करते हुए फिर हम लोग को मिलता हूँ। यार हमने ना वीडियो पॉज करा था, और ये देखो क्या हो गया भाई, ये हरामी चूहे ने हमारा ये फार्म का बच्चा खा लिया यार। तो टपका दिया उसको बहुत जल्दी भाई, मैंने बहुत बुरा मारा इसको। अरे रुक जा बाद में करके दिखाना, ये बड़ा हो रहा था। अरे हुआ था ये घूस बन गया। अरे बहुत बड़ा हो जाता था यार ये गाइस, ये फार्म का बच्चा, पर ये इस हरामी ने सरप्राइज अटैक करा। और ये देखो यहाँ से बिल्ली से बाहर निकला और एकदम खींच डाला उसके अंदर। भाई साहब अल्लाह रहम करे, एक वन शॉट में भाई, अब वन शॉट में मारा इसने उसको, और मैंने भी उसको वन शॉट में खत्म करा। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, हमारी दुआ का भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसको भी लेके जाना था। अपने दिलावर का पैर भी टूट गया ये सब होने के बाद, यार अपने फार्म वाले का भी आज ही खात्मा हो गया, एकदम सरप्राइज अटैक करा उसने। मैंने देखा ना यूसुफ चिल्लाते हुए आया था मेरे पास कि यार चूहा चूहे ने पकड़ लिया, चूहा चूहा कर रहा था वो। मैंने देखा, मैंने बोला भाई सीरियस बात है यार, को मैंने झाँक के देखा दीवार पे, तो मैंने देखा भाई एक वन शॉट में बेचारे तड़पा के मार रहा था एकदम चूहा उसको। तो मैंने फौरन लिया मौसम को, बोला जल्दी आ भागते हुए, मैं लकड़ी लेके बाहर निकला, एक शॉट में उसको ख़त्म कर दिया, पर लेट हो गया था थोड़ा मैं उस वक्त, वैसे भी बचता नहीं था वो, है ना। हाँ। पूरा पेट उसका अब बता नहीं सकते यार कैसा हो गया था यार, वो बेचारा वो बहुत सही था यार वो चूहा, क्या कर सकते अभी। अभी अपने पास कुछ काम है जैसे कि 6:30 बजे या अभी जितने भी बजे अपने को अभी उसको लेके जाने का क्लिनिक में अपने दुआ को, और अभी दिलावर को अपने पट्टी कर दी, तुमने बताया नहीं मैंने। ये देखो माशाल्लाह से क्या भाग रहा, क्या भाग रहा, आजा यूसुफ उसको डिस्टर्ब मत करो, ये देखो इतने उंगले से भाग रहा है। हाँ ना बेचारा, अबे साले वीडियो में बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तुम लोग हमारे लास्ट व्लॉग चेकआउट करो, बहुत मस्त व्लॉग मैंने बनाया था, बहुत दिनों बाद बनाया था, पर बनाया था मैंने लास्ट व्लॉग, तो तुम उसमें चेकआउट करो जाके भाई, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा दिखता है वो, भी मरने के बाद चिम गया बेचारा पूरा। तो अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं करते, अभी इसको क्लिनिक को लेके जाते दुआ को, और तुम लोग उस वक्त मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस यार अभी हमें रेडी हो रहा था अभी मेरे को लेके जाने का हमारी दुआ को क्लिनिक के लिए,
तो यार अभी दुआ को भी हमने रेडी कर लिया, पहले उसको एक बास्केट में हमने डाल दिया है उसको, और हम अभी जाने वाले, मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ और मेरे भैया आने वाले हैं नीचे और अपन जाने वाले हैं क्लिनिक को, तो मैं फटाफट से सारे काम करते हुए फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। A few moments later. तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आ चुका हूँ यार दुआ को लेकर। मैं तो शॉर्ट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम गाड़ी पे होते और मुझे इसे पकड़ना था दुआ को, उसके बास्केट को मुझे पकड़ना था, इसलिए मैं व्लॉग रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाया, ना ही मैं फ़ोन अपने साथ कैरी कर पाया क्योंकि मेरा जो पॉकेट है मेरे पैंट का वो उसमें फ़ोन नहीं घुस रहा था। इसलिए मैंने अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैं दुआ मेरे पास ही है, उसको मेडिसिन वगैरह भी दी है, तो वह सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पहले ये देखो यार, ये इस बास्केट में हम इसे लेके गए थे, बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हुई थी, मैं भूल गया था कपड़ा डालना। ये देखो इतने सारे छेद है ना, बहुत ज़्यादा गाड़ी पे हवा आ रही थी, अभी माशाल्लाह तो ये सो रही है अच्छे से, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाले अभी हम। तो अभी फ़िलहाल में डॉक्टर ने क्या बोला है ये सारी चीज़ें हम मैं तुम लोगों को बताता हूँ। और पहले हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं, तो यार ये मेडिसिन हमें दी है, ये वाली मेडिसिन एक, जो कि हमें 5 ड्रॉप पिलाने हैं और ये मेडिसिन हमें 10 ड्रॉप्स पिलाने हैं और ये दिन में 2 बार हमें पिलाना पड़ेगा। ये दो दो जो मेडिसिन है ये हमें जो है पिलाना पड़ेगा 2 टाइम, ठीक है। ये 5 ड्रॉप, ये 10 ड्रॉप हमें पिलाना पड़ेगा। अब यार डॉक्टर ने भी वही चीज़ बोली थी, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि इसे अभी इसकी एज नहीं है चिकन वगैरह खाने की या फिर मीट मीट खाने की, इसकी एज अभी फ़िलहाल है ही नहीं, इसीलिए ये हो रहा था कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था आई गेस किटन बच्चा है वो भी। दुआ भी, दुआ हो गई हमारी, इकरा हो गई हमारी, जो है बेला हो गई, तीनों भी बच्चे ही है अभी, तो चिकन या मीट खाने की उसकी एज है ही नहीं अभी, तो इसलिए वो थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा था, वो थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी उन्हें, और हो सकता है ये दूध की वजह से भी हो रहा उन्होंने कहा है। पर उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल उसको जो है सिर्फ मिल्क में ही मतलब फीड कराना है इन्हें, चिकन वगैरह भी नहीं खिलाना कोई भी मीट, जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक। और अभी मैं उनका खाना भी लेने वाला था पर यह प्रॉब्लम ये हो गई कि वो ज़्यादा महंगा वो खाना था, मतलब वो आधा किलो जो कैट फूड है वो 400 रुपये का था। टूथपेक से महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक के आया हूँ, मतलब थोड़ा टाइम हो चुका है मुझे आए हुए, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ। आज की वीडियो में अगर तुम लोग ज़रा सा भी इतना सा भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, टिकटॉक और सब्सक्राइबर हो गए यार, इससे ना एक बढ़ रहा है ना घट रहा है भाई, यार सब्सक्राइब कर दो यार, 70 सब्सक्राइबर के हम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो 70 सब्सक्राइबर करा देना। और इंशाल्लाह से कल का जो ब्लॉग आएगा, उसका अगला जो ब्लॉग आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मेंटेन रखनी, क्योंकि हमारा एक तो दिलावर जो कि बीमार है और हमारा जो वो हरा वाला चूज़र था फार्म वाला यार, वो उसकी डेथ हो गई है, मैंने सुबह में ही तुम्हारे को शॉर्ट में दिखाया था। तो और हमारी ये दुआ का भी हमने डॉक्टर क्लिनिक तरफ लेके जाना था इन्हें, तो हम लेके चले गए। तो बस तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।